हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू ब्लॉगर वर्डप्रेस ब्लॉगर। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये साइट बना रहे थे, तो हमें ये साइट कंप्लीट कर ली हुई है। हमारा जो होम पेज है वो इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आज हम इसका, हमारे जो रेस्ट ऑफ द पेजेस थे, जैसे ब्लॉग है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, ये हमारे पेजेस जो एम पी टी पड़े हुए हैं, ये हमने क्रिएट करने हैं। ठीक है, हमारा आईडी फुटर तो शोर है, लेकिन ये दरम्यान में जो है ना, हमारे पास कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही, तो हम इसको एडिट करते हैं। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप डैशबोर्ड में जाके, पेजेस में जाके, वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट एडिट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, हमारे पास ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉग का पेज है हमारे पास और ये खाली पड़ा हुआ है, तो इसको बनाते हैं आज। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक रो ले लेते हैं, जिसकी हाइट जो है वो हम रख लेते हैं। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जैसे होम पेज पे आपको मिलता है ना कि हेडर, तो हमने वैसे एक हेडर बनाना है जैसा ये है, लेकिन हमने स्मॉल हेडर बनाना है। जो है ना, हमारे पास जो है ना, वहाँ पे स्मॉल हेडर में हमें उसका टाइटल शो करवाना है। ठीक है, तो यही हमने सिंपल सा काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके हम एक रो ले लेते हैं और इसकी हाइट रख लेते हैं जी लार्ज। ठीक है, और इसके अंदर एक टाइटल होता है जो खुद ब खुद ही पेज का नाम जो है ना वो उठा लेता है, उसे बोलते हैं पोस्ट टाइटल। ठीक है, ये ब्लॉग है तो ब्लॉग खुद ब खुद ही ब्लॉग के नाम से जो है ना ये उठा लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एच वन करते हैं यहाँ से, और इसकी अलाइनमेंट जो है ये सेंटर कर देते हैं। जो पेज का नाम है उसकी हेडिंग एच वन होगी और उसका जो अलाइनमेंट है वो दरमियान में शो होगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेव चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, और यहाँ से हम ब्लॉग पे जाते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जो ब्लॉग नाम से आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड एक इमेज लगाते हैं जो ब्लॉग टाइप की होगी। बेसिकली मैं यहाँ से एक, हमें मिलता है फ्री इमेजेस, जहाँ से मिलते हैं हम फ्री इमेज एक उठा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड में लगा देंगे। मैं देख लेता हूँ, वैसे हमारे पास ये पड़ी भी है, अगर पड़ी है तो वो हम लगा देते हैं। यहाँ से जाएंगे, इसको एडिट करेंगे। आपको पता है कि रो को एडिट कैसे करते हैं, डिज़ाइन में जाके, बैकग्राउंड में जाके, यहाँ से हमें एक इमेज लगानी है। तो डब्ल्यू बी बेकरी का ये बहुत इजी है सेटअप जो है ना। तो यहाँ से भी आप कोई, जैसे ये है, ये तो वर्टिकल है, हमें ओरिजिनली चाहिए, तो यहाँ से हम एक लिखते हैं जो ब्लॉक, ब्लॉक की एक इमेज हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो वही हम उठा के लगा देंगे। वेरी सिंपल है, कोई इसमें वो कन्फ्यूज नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास जो हमें अच्छी लगेगी, ये उठा लेते हैं यहाँ से ना, ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और न्यू साइट में हम इसको रख लेंगे। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप कोई भी इमेज उठा के लगा सकते हैं यहाँ से इसकी बैकग्राउंड में ना, तो मैं वैसे ही आपको एक बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ से अपलोड नहीं करना, हमें यहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसको आप एडिट भी कर लेंगे, इसका साइज़ जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से, ज़्यादा हैवी हमने साइज़ नहीं रखना, ताकि वो साइट लोड होने में प्रॉब्लम ना हो। तो नेट मेरे पास बहुत स्लो है। अच्छा, ये हमारे पास अब तक हो जाना चाहिए था। खैर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, यहाँ से हम इमेज उठाते हैं ये वाली, बल्कि ये हो गई है, हम जाते हैं डी में, और डी के अंदर हम यहाँ पे हमारे पास जो न्यू साइट थी हमारी, जिस पे हम काम कर रहे थे, उसके अंदर ही डाल लेते हैं इसको, ये डाल लेते हैं, न्यू साइट थी। ठीक है, ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ ताकि लोडिंग में प्रॉब्लम ना हो, और इसको कर लेते हैं जी 1000। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास सेव हो चुकी है। अब यहाँ से इसी इमेज को उठा के हम जो है ना ये लगा देंगे। मैं इसको अपलोड करता हूँ यहाँ से, और असल में मैंने एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वो हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ से हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और इसको हमने कर लेना है कवर, और रिपीट हमने करना है जी नन रिपीट। ठीक है, अच्छा, इसके हमने बैकग्राउंड ओवरले भी लगा देनी है यहाँ से। ये हमारे पास आगे ब्लैक लगानी है, ब्लैक को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देना हमने 70%, ये 80% है, इसको थोड़ा 75% कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो नज़र आनी चाहिए।
इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉग का सब हेडर है, ब्लॉग पेज का, वो कैसा लग रहा है ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसका जो हमारे पास टेक्स्ट है वो उसको हम वाइट कर लेते हैं, उसका कलर जो है डिज़ाइन डिजाइन की टेक्स्ट टेक्स्ट कलर वाइट, सेव अपडेट। और यही जो आपने बनाया है ना, इसी सब हेडर को उठा के आप अबाउट अस में कॉन्टैक्ट अस में लगा देंगे, उसमें खुद ही अबाउट अस का नाम उठा लेना और कॉन्टैक्ट अस का नाम उठा लेना। ठीक है, तो हम एक और ले लेते हैं यहाँ से और हम अपने ब्लॉग कॉल कर लेते हैं। बेसिकली हमने ग्रिड यहाँ पे लिखना है, ब्लॉग हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, हमारे पास तीन हमने ब्लॉग बनाए थे, तो मैं यहाँ से उनको कॉल कर लेता हूँ। ये पोस्ट बेसिकली उसको बोलते होते हैं, हमने पोस्ट यहाँ पे कॉल की हुई है, और जितने भी हैं हम आइटम क्वांटिटी है आप यहाँ से इसको 50 कर दें। ठीक है, और पेजिनेशन आप कर दें कि नंबर लगा दें या लोड पे, अगर आपके पास मतलब मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ या 12 कर देता हूँ, अगर आपके पास एक पेज पे 12 आएंगे, अगर 12 से आपके जो बढ़ जाते हैं ब्लॉग या पोस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने उसको वो क्लिक करेंगे तो वो लोड पे ले जाएगा, लोड पे ले जाके आपको जो है ना वो सारे दिखा देगा, मतलब 12 12 प्रोडक्ट के बाद आपको वो लोड पे लेके जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से लाजमी नहीं लोड लगाना है, कोई और भी लगा सकते हैं और बटन का स्टाइल भी दे सकते हैं यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपीयरेंस पे चलते हैं और हमारे पास जो हमारी ग्रिड थी ब्लॉग ग्रिड ये लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव चेंजेस करते हैं और अपडेट करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास ये ब्लॉग शो हो रहे हैं या नहीं। हमने बेसिकली होम पेज पे जो है वो तीन ब्लॉग शो कराने देते हैं और उसके नीचे बटन लगा देते हैं लोड लोड मोड का, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास जो है ना, हमने क्या किया है, हमने उसको कॉलम जो है वो फिक्स नहीं किया, कॉलम हमने कर देने उसको, हमारे पास थे 2, हम इसको कर देते हैं जी 3। ठीक है, सेव चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, और ये हम अब जितने भी ब्लॉग क्रिएट करते जाएंगे ये यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, और जब 12 हो जाएंगे तो यहाँ पे एक शो मोर का बटन आ जाएगा, तो वो ये हमारा बेसिकली जो ब्लॉग का पेज है ये क्रिएट हो चुका हुआ है। ठीक है, और अब हमने अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करना है, तो ये फिर देखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि अबाउट अस का थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट अस पे भी हमें फॉर्म वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो अभी तक के लिए जो ब्लॉग का जो हमारा पेज है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, आप दो और पेज बनाएंगे तो हमारी साइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।